हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच बड़ी भाई, मेरे को तो सच में पनोड़ी भाई अब तो ऐसे लगता है कि जैसे अब कुछ फील ही नहीं होता। शुरू शुरू में जैसे स्टार्टिंग होता था ना भाई, उसने दे दिया ऐसे भड़क के फराना है, लेना है दुनिया भाई। भाई राइट, कमाल है यार। वो तो बात सही है आपकी, उमित भाई अब क्या करेगा। क्योंकि देखो यार, इंस्टाग्राम चीज ही ऐसी है कि पहले जब नए नए लोग आते हैं तो पहले 4 महीने 5 महीने ये गाली गलौज से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, झगड़े होते हैं। राइट, अब जब मैं तो बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे हूँ, राइट, शायद ऑलमोस्ट मैं तो 12 साल से इंस्टाग्राम पे हूँ, लेकिन लास्ट 7 ईयर से दीपक के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं और दीपक हमेशा एक चीज बोलते थे, शायद अब आप लोगों को वो चीज समझ में आई होगी कि पहले ना पहले पहले गालियां दिल पे चुभती है। बिल्कुल 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 राइट। फिर वही गालियां आपको है ना फूलों की तरह लगती है, समझते हो नारंग। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने स्टार्टिंग में कुछ हुई थी कॉन्ट्रोवर्सी, मैंने दीपक के आगे मैंने लिटरली आई रियली क्राई इन फ्रंट ऑफ दीपक। उसने ये बोला कि सुमित भाई तुम भाई फेमस हो रहे हो, जिसमें वजन होता है ना उसी की चर्चा होती है हर जगह। अब परोड़ी भाई से पूछो कि कितनी हम दोनों ने खाई है और कैसा दिल है भाई। हमें थोड़ी ना अच्छी लगती, हम भी रोए थे बस स्टार्टिंग में। फिर यही है इंस्टाग्राम भाई, मैंने तो साफ कहा मैं भाई अब मैं आऊंगा ही नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ पनोड़ी एंड यू तब मैं आता हूँ ये बनो। बट भाई अब तो ऐसे लगता है कि भाई लिटरली भाई बस एक जैसे होता है ना शर्ट के ऊपर मच्छर बैठ जाता है और आदमी हाथ से हटा देता है, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। नो नहीं पनोड़ी जी, अब हमारी हालत भी वही हुई है, हमको भी अब क्या? अगर अगर इतनी अगर इतनी इतनी अगर भगवान ने अच्छा बनाया होता वैसे बनाया तो औरों की बहन बेटियों की भाई इज्जत करनी चाहिए और भाई खाम खाई किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ सही बात है। हमारे लिए क्या है, खूब बक भाई गाली। आपका आपका तो पता ही है ना गुरप्रीत का मैटर, जब सामने आता है सारा कर्मा है ना, तो भाई कैसे ना कैसे करके भाई सामने आता है एक दिन। सही बात है। और शेरनी की सबसे गलत बात यह लगी मुझे कि उसने आज तक जहां जहां रिलेशन बनाए ना, चाहे मैं तो उसको चलो ये नॉक्सी एंड वो जो भी है देसी क्वीन, वो सब लोग तो इसको बहुत लॉन्ग टाइम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसने ना किसी के भी साथ अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं किया शेरनी ने। बिल्कुल 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 भाई, ठीक है, सही कहा, एकदम सही कहा। बिल्कुल दूसरी चीज उसकी सबसे गलत ये है कि उसको यह लगता है कि वो बहुत बड़ी विद्वान है, वो जो बोले वो सही, राइट। हाँ जी वो कभी भी किसी को भी लाइक यू नो बोलने का मौका नहीं देती है। Yes, ठीक है, वो तो है। वो अपने आप को मैं शेरनी, मैं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं जिस दिन मेरी और उसकी कंट्रोवर्सी चली उस टाइम पे उसने पूरी पनौड़ी आर्मी को गाली दी थी, मैंने उसको रोका भी था कि शेरनी आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वहां पे बात कुछ और चल रही थी, वहां पे उसने बात कुछ और छेड़ दी। भाई अब तू 5-6 हजार लोगों को साथ में गाली देगी तो मेरी टीम में तो सब लोग साइको लोग हैं। उनमें तो दिमाग ही नहीं है, वो तो सोचते ही नहीं है, वो तो यही सोचते हैं कि भाई मैंने जो बोला उनके लिए पत्थर की लकीर, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब ऐसे लोगों से तू पंगा लेगी तो फिर तू रोएगी, सीधी सी बात है। अरे भाई कोई नॉट इन अ सिंगल पर्सन ऑन इंस्टाग्राम कि लड़की हो लड़का हो कोई मुंह पे भी तारीफ कर जाए कि हाँ भाई इससे कोई लाइव भी देखता है, भाई कमेंट तो बंद कर देती है। अच्छा किसी से बात भी हो जाएगी ना, कह देगी कि तू चल मेरी लाइव पे आ जा, सॉरी बोल दे और मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, अपनी अपने तरीके से सारी बातें घुमानी, समझ रही है नोक्सी। हाँ जी। मेरा तो सुमित जी, मेरा सीधी सी बात है, जिस पहला हमारी दोस्त थी वो जो दुबई वाली, ओके, उसको इतना ही वो लगता है, ओके, उसने तो एक अनएजुकेटेड को जज बना के हम लोग को दनादन दी भाई। हम मेरा तो यहाँ पर पनोड़ी है, सामने है भाई, हम तो इनको जज बनाएंगे भाई,
सीधी सी बात है, मेरा तो जज कोई नहीं है भाई, अमेरिका में वो है, मैं अभी इंडिया, वो लोग इंडिया के बनाते तो भाई हम अमेरिका को बना देंगे, कोई बात नहीं। हांजी 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 हांजी, एटलीस्ट पनोड़ी तो बात तो सुन के मतलब ओके अपना बात चालू करो, ये तो बोलते है, वो तो नहीं देते है, वो भी कोई जज, कोई जज एक बात बोलिए, कोई जज मतलब क्या गाली दे के बोलता है एक साइड से? नहीं ना, दो साइड से बात सुनते है ना। बिल्कुल, तो दो साइड से सुनी जाती है ऑलवेज, ऑफ कोर्स। तो हम बोलते हैं अभी वो सुन भी रही होगी, सुन ले, सुन अगर तेरे को वो चाहिए ना, दोनों को हमको रख, हम रख देंगे जज बना के। यार यू कैन, देखो देखो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम लाइव की यूट्यूब पे चेक करो, ये ऐसी लेडीज है जो कहती है कि मेरा पति वो हो गया, ये हो गया, मुझे बोलती है कि मुझे तो ना बिग डिक पसंद है, बिग डिक, और इंस्टाग्राम इसी की मुंह से जबान सुनो। और एक दिन पनोड़ी भाई की मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, पनोड़ी को कह रही है लिकिंग इस तरीके से करते हैं, कभी तूने चाटा है ऐसे लिकिंग करते हैं, और टंग से करके दिखा रही है, अरे टंग से करके दिखा रही है पनोड़ी के पास, तो वहां ऐड करती हूं। मुझे नीचे, मैं नीचे बैठा हूं, मैं डिनर कर रहा हूं, बिल्ली को ऐड कर। ओके ठीक है ठीक है, अगर पनोड़ी को झेल सकते हैं तो भाई हम जज बना लेंगे, अगर झेल सकते हो तो हम बनाने के लिए तैयार, सीधी सी बात है। सुमित जी का क्या हुआ? ये लोग अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पर। देखो ये रहा, देख सुमित नारंग किधर गया, सुमित नारंग किधर गया? नहीं मैं उठाती हूँ, पता नहीं गिर गए। सुमित नारंग को उठाओ, सुमित नारंग तुम्हारे को उठाएंगे, और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दिखा, गोल्डी भी है, कोई बात नहीं, एक मिनट मिनट दिखाइए। नोक्सी जी कोई बात ना, आपने कह दी, आप शेरनी का खून कैसे पीना पसंद करोगे, वैसे गिलास में या वैसे मग्गे में या वैसे आपका जो दिल करे वैसे? डट जाओ जी, डट जाओ, मैं साली का कुतिया खून उसका रांड निकलेगा, बिल्ली दे रही बकरी। देखो तो शरीर कहाँ है, देखो देखो हम कहाँ है, रुको रुको, ये तो दुनिया देख लेगी यार उसमें। कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, दो दो लाइफ पे चल रहे हम भी, आप भी चलो, चस्का है यार। सुमित नारंग को ऐड करो, सुमित नारंग को ऐड करो। सुमित जी दिखी नहीं रहे है कि नहीं? नहीं दिख रहे, नहीं है, वो चले गए, कैसे चले गए? चली गए, देखा एक मिनट। सुमित नारंग का फोन आ लिया, बाय बाय, बाद में बात कर। ओके फोन आया, अब इसका फोन आया, इसको घूम गई।